स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बच्चों, हम इस लेसन की एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हमने एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो चलिए स्टैंड, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखिए स्टैंड, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों से क्या कहा गया है, देखिए पढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। बच्चे, इसमें कहा गया है कि दो नंबरों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, दो नंबरों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। यानी दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है बच्चों, कितना, वो 180 है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 times द लार्जर नंबर। बच्चों, आगे ये कहा गया है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो नंबरों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो 180 है, बट उनमें जो छोटा नंबर है, यानी जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर लार्जर नंबर का 8 times है। ये तो कहा गया, देखिए, द स्मॉलर नंबर स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी छोटे नंबर का स्क्वायर 8 times द लार्जर नंबर, यानी छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर का 8 times है। ठीक है, आगे देखिए, फाइंड द टू नंबर्स, यानी हमें उन दोनों नंबर को यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन लगाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट यानी मान लेंगे चलेंगे कि जो स्मॉलर नंबर है वो क्या, एक्स है। ठीक है, फिर इस कंडीशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से या किसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए कैसे बनाएंगे ये समझते हैं। तो देखिए स्टैंड, लेट द स्मॉलर नंबर इज x। हमने जो स्मॉलर नंबर है बच्चों, हमने उसको क्या मान लिया बच्चों, स्मॉलर नंबर को बच्चों हमने क्या माना x मान लिया। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टैंड, आई कंडीशन को समझें कि ये जो स्मॉलर नंबर है, इसका जो स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर का जो बच्चों स्क्वायर है, वो लार्जर नंबर का बच्चों कितना टाइम्स है, वो 8 times है। ठीक है, तब ये लगाएंगे कंडीशन देन। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टैंड, यानी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, इसको मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 8 times ऑफ लार्जर नंबर। ठीक है, यही बात तो दी गई थी कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर को हमने एक्स माना। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर का हमने स्क्वायर भी करा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर की बात आई है। ठीक है, फिर जो लार्जर नंबर का वो क्या, अब 8 times है, तो बच्चों ये वाली कंडीशन यहाँ पे इसको फॉलो कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टैंड, यहाँ से हम लार्जर नंबर को फाइंड कर सकते हैं। क्यों, देखिए यहाँ से 8 इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए लार्जर नंबर क्या बनेगा, ऐसे लार्जर नंबर क्या हो जाएगा स्टैंड, ये हो जाएगा एक स्क्वायर वाई 8 हो जाएगा। कितना जाएगा बच्चों, यही इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये लार्जर नंबर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपका जो स्मॉलर नंबर बच्चों वो एक्स है, और जो लार्जर नंबर है वो बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर वाई 8 है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए आगे क्या है, इनका जो डिफरेंस है, क्योंकि आपका लार्जर नंबर एक्स है और आप कीजिएगा स्मॉलर नंबर एक्स है और लार्जर नंबर क्या, एक्स स्क्वायर वाई 8 है। ठीक है, दो नंबर मुझे पता चले, अब इनका जो डिफरेंस, इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस वो कितना बच्चों, 180 है। तो चलिए देखिए लगाते हैं क्वेश्चन, क्या देखिए डिफरेंस कितना रखा है, डिफरेंस ही बच्चों आपको दे रखा है कितना, 180। ठीक है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए लगाएंगे क्वेश्चन को, देखिए एक्स स्क्वायर वाई 8, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है ना, माइनस ये क्या एक्स, तो एक्स का हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टाइप से। ठीक है, और ये बच्चा आपका 180। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी एक्स की पावर बच्चों 4 हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों 8 8 64 हो जाएगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर ही होगा स्टैंड, इजिकल टू ये हो जाएगा 180 यानी 180। ठीक है,
अब इसके अपने बच्चों वन मान के एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए स्टैंड यहाँ पे मैं इसको सॉल्व किया देता हूँ, देखिए तो ये हो जाएगा स्टैंड, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 64, एलसीएम होंगे स्टैंड 64 और क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए 1 से एक्स पावर 4 की, तो एक्स पावर 4 ही आएगा स्टैंड माइनस, और 64 की करिए आप एक्स स्क्वायर से, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 64 एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इस टाइप से, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू मैं बच्चों करना चल रहा है, ये बच्चा 180 चल रहा है, ठीक है। अच्छा आगे स्टैंड आप इसके फॉर्म में 1 मान लीजिए और यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 से कराएंगे तो बच्चों यही वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैं लिख रहा हूँ एक्स की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों 64 मल्टीप्लाई 180, तो बच्चे ये जो वैल्यू, चले मैं थोड़ा एक लाइन नीचे कर देता हूँ, तो एक्स की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11,520 इतना आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, देखिए 0 का 0 हो गया, 18 फोर 72 होता है तो 2 आ जाएगा, आपका 7 कैरी हो जाएगा और 11 8 जो होता है बच्चों 108 और यहाँ से जब 7 जोड़ेंगे तो 115 ही हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए इस वैल्यू को इधर ले लीजिए, तो स्टैंड हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर, इसको उधर लेकर के आइए माइनस 11,520 इजिकल टू 0। अब देखिए ये बच्चों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम कहते हैं, देखिए इसके कॉन्स्टेंट टर्म्स के फैक्टर करके हमें कितना 64 लेकर के आना है, तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैं समझाता चलूँ आपको। देखिए 114 मल्टीप्लाई 80 कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 11,520 हो जाएगा, और जब इसको आप इससे 11,144 माइनस 80 इजिकल टू करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 64 आएगा, कितना आएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो 64 को हम कर ले सकते हैं बच्चों, 144 माइनस के 80 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा स्टैंड 144 एक्स स्क्वायर प्लस 80 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 इजिकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, हमने जो कॉन्स्टेंट टर्म्स थी 11,520 उसके हमने फैक्टर कर दिए स्टैंड, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों इतना आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच्चों कॉमन कर लीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर बच्चों क्या हो रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पावर 4 है बच्चों, तो यहाँ पर पावर 2 और भी बचेगी क्योंकि 4 पावर है माइनस, यहाँ से बचेगा 144 प्लस, यहाँ से बच्चों 80 कॉमन कर लीजिए, 80 जब कॉमन करेंगे स्टैंड तो यहाँ से बचेगा x की पावर 2, इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा बच्चों 144 इजिकल टू 0, ठीक है। तो इसको सारे में से कॉमन कर दीजिए स्टैंड, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 144, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 80 इजिकल टू 0, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज को निकालेंगे स्टैंड, तो अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और आगे हम इसके फाइनली आंसर को आपको बताने वाले हैं स्टैंड, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बच्चों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इतना थोड़ा रब करेंगे फिर इसके फाइनली आंसर को आपको समझाएंगे स्टैंड, चलिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं देखिए इसको थोड़ा इधर से रब किया देता हूँ और फिर इसके हम फाइनली आंसर को देखेंगे स्टैंड, ठीक है। देखिए तो देखिए स्टैंड यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, देखिए अपने पास दो ब्रैकेट्स मिली हैं, एक्स का माइनस के 144 और एक्स का प्लस 80 इजिकल टू 0 मिल रहा है, तो इस 0 को दोनों इक्वेशन के दोनों ब्रैकेट के सामने रखकर सॉल्व करेंगे स्टैंड, तो क्या हो जाएगा समझा रहा है, देखिए हो जाएगा स्टैंड वैन एक्स स्क्वायर माइनस के 144 इजिकल टू 0 देन ये हो जाएगा स्टैंड एक्स इजिकल टू हो जाएगा स्टैंड प्लस माइनस, ये माइनस के लिए प्लस को देख रखें और 144, ठीक।
ठीक है, या एक्स इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, ये 12 का स्क्वायर 12 के बच्चों बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा तो एक वैल्यू तो बच्चों आप लोग पास ये आ रही है एक्स की, ठीक है। एंड सेकेंड जो ब्रैकेट है उससे चलिए, वैन क्या देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 80 इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इक्वल टू हो जाएगा स्टैंड प्लस माइनस, और ब्रैकेट में क्या आएगा ये माइनस के 80 हो जाएगा। समझ में आ रहा था कि प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी, स्क्वायर टाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे, तो ये तो नेगेटिव रहा है ना, तो ये तो वैल्यू बच्चों पॉसिबल नहीं है, है ना। तो इसे लिखेंगे नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, ठीक है स्टैंड। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टैंड कि इस वैल्यू को हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अब हम किसको मानेंगे बच्चों, इसी में से चलते हैं। देखिए देखिए स्टैंड, तो यहाँ पे एक्स के दो मान पॉसिबल हैं इस कंडीशन, देखो तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार तो बच्चों प्लस का 12 होता है, ठीक है, और एक बार होता है बच्चों माइनस का 12 होता है, माइनस का 12 होता है, ठीक है। तो चलिए अगर हम माने, देखिए हमने जो अपना इसमें नंबर माना था वो एक्स माना था, क्या माना था बच्चों एक्स माना था, तो एक्स वैल्यू ये तो वैल्यू वैलिड नहीं है क्योंकि नेगेटिव आ रहा, ठीक है, यानी कोई ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे बच्चों, एक्स की वैल्यू यानी इसमें नंबर क्या मानेंगे बच्चों आपका 12 मानेंगे, क्या मानेंगे 12 मानेंगे, ठीक है। तो देखिए स्मेलर नंबर नंबर यानी x इजिकल टू कितना आ गया बच्चों आपका 12 आ गया, ठीक है। तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, देन लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या हो जाएगा स्टैंड, वो क्या था बच्चों, वो था x स्क्वायर y 8 था, यही तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो देखिए x की वैल्यू पोर्ट का x की वैल्यू हम ये मान रहे हैं 12, तो ये जगह 12 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 144 हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार में लिख देता हूँ, 144 हो जाएगा, और फोन में क्या बच्चों ये 8 आ रहा है, 8 से इसको डिवाइड करोगे बच्चों ये आपका 18 टाइम कट जाएगा बच्चों, कितना कट जाएगा 8 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आपका ये जो नंबर आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है आपका बच्चों, वो कितना आ रहा है, वो 18 आ रहा है। तो देखिए स्टैंड जो स्मॉलर नंबर है वो आपका कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, कितना आ रहा है 12 आ रहा है, और जो आपका लार्जर नंबर है बच्चों वो कितना आ रहा है 18 आ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसके नेगेटिव वैल्यू पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, वैसे में आप लोगों को। तो देखिए अब देखिए यहाँ अगर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसका लगा भी लेंगे तो हमें तो स्क्वायर देखना है ना, तो स्क्वायर तो इसका फिर भी नहीं आएगा, नेगेटिव का एक्स का स्क्वायर करेंगे माइनस 12 का स्क्वायर तो यही आएगा ना लोड फेयर करके, ठीक है। तो आपका जो स्मॉलर नंबर है बच्चों आपका कितना आ गया 12 आ गया, और जो लार्जर नंबर है बच्चों आपका कितना आ गया आपका 18 आ गया स्टैंड, ठीक है। तो यही बच्चों हम लोगों को फाइंड करना, तो यही बच्चे इसका फाइनली आंसर स्टैंड, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।